न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंची। इस दौरान ममता ने पीएम मोदी को मिठाई और कुर्ता भेंट में दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बंगाल आने का भी न्योता दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम के साथ चर्चा अच्छी रही। दूसरे कार्यकाल में पीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मैं उनसे नहीं मिली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में बेंगलुरु से उड़ान भरी। जी हां, लगभग 30 मिनट तक राजनाथ सिंह विमान के अंदर ही रहे। सफल उड़ान के बाद रक्षा मंत्री ने तेजस में उड़ान भरने को गर्व की बात बताया। आपको बता दें कि तेजस में उड़ान भरने वाले राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। तेजस में उड़ान भरने के बाद राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात की और बताया कि उन्होंने तेजस को ही उड़ान भरने के लिए क्यों चुना। उन्होंने कहा कि तेजस देसी विमान है। मैं चाहता था कि देसी विमान में उड़ान भरूं। भारत की जनता को अपनी वायुसेना, थल सेना और नेवी पर गर्व है और पूरा विश्वास भी है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस पूरी तरह से भारत में बना है और दुनिया के दूसरे देश भी इसे मांग रहे हैं। तेजस को एक्सपोर्ट करने का सिलसिला भी अब भारत ने शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कल कहा कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता सबसे जरूरी चीज है। भारत का हमेशा से मानना है कि कश्मीर एक आंतरिक मामला है और मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या अमेरिका। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने एनआरसी को लेकर चिंता जताई। आपको बता दें कि इससे पहले कल ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। आज यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रैफिक नियम संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हड़ताल की स्थिति में दिल्ली एनसीआर के लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बाटला हाउस एनकाउंटर को 11 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, आज ही के दिन दिल्ली का बाटला हाउस इलाका गोलियों के आवाज से गूंज उठा था। यह एनकाउंटर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था और इस मुठभेड़ में दिल्ली का एक जाबाज इंस्पेक्टर शहीद हो गया था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने पंजाब में पाकिस्तानी नेटवर्क का खुलासा किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने गुरदासपुर से एक ऐसे जासूस को गिरफ्तार किया है जो करतारपुर कॉरिडोर के चल रहे काम के फोटो पाकिस्तान भेज रहा था। आरोपी गुरदासपुर के तिबड़े इलाके का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विपिन सिंह व्हाट्सएप के जरिए करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित सूचना और फोटो पाकिस्तान भेज रहा था, जिसके बदले में उसे 10 लाख रुपए मिलने वाले थे। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का एक बार फिर उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से कठुआ जिले के हीरा नगर सेक्टर में फायरिंग की गई है। सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले सेना ने बालाकोट में कल पाकिस्तान की ओर से दागे गए 9 जिंदा मोर्टार को नष्ट किया था। मोदी सरकार ने कल ई सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके तहत ई सिगरेट निर्माण, आयात, निर्यात, वितरण और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रतिबंध को लागू करने के लिए सरकार तत्काल एक अध्यादेश लाएगी, जिसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र में यह विधेयक संसद में पेश करेगी। ई सिगरेट के पूरी तरह से बैन होने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव प्रीति सुदान ने कहा कि प्रतिबंध के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा। नियमों का बार बार उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आयात, निर्यात और वितरण ई सिगरेट और वेपिंग उत्पादों का भंडारण करना भी अपराध माना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक कार्यक्रम के दौरान एनआरसी को पूरे देश में लागू करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि क्या कोई भारतीय अमेरिका, ब्रिटेन या रूस में गैर कानूनी तरीके से जाकर रह सकता है? नहीं। ऐसे में दूसरे देश के लोग भारत में बिना पहचान के, दस्तावेजों के बिना कैसे रह सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि देश में एनआरसी को लागू किया जाना चाहिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक राष्ट्र एक भाषा के फॉर्मूले का दक्षिण भारतीय राज्यों में विरोध जारी है। इस बीच शाह ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का मतलब किसी की मातृभाषा पर हिंदी को थोपना नहीं था। अगर कोई इस मसले पर राजनीति करना चाहता है तो ये उसकी इच्छा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषाओं को भी मजबूत करना चाहिए और आज भी कई राज्यों में त्रिभाषा का फॉर्मूला है, लेकिन हमने देश के लिए एक भाषा का अनुरोध किया तो क्या गलत किया। मैं मानता हूँ कि देश के लिए एक भाषा का होना जरूरी है। एक बार फिर मूसलाधार बारिश से जूझ रहे मुंबई वासियों के लिए फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज मुंबई के अलावा ठाणे और कोंकण में स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखने की घोषणा की गई है। सऊदी अरामको के तेल कुओं पर ड्रोन हमले का सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिख रहा है। आज भी राजधानी समेत देश के कई महानगरों में पेट्रोल और डीजल के भाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में करीब 30 पैसे और डीजल में करीब 19 पैसे की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अजय कुमार ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि अजय कुमार ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा, हाउडी इकोनॉमी, कैसी चल रही है मिस्टर मोदी, ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि ह्यूस्टन में 22 सितंबर को हाउडी मोदी नाम से एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल होने वाले हैं। आमिर खान अपनी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की तैयारियों में लगे हुए हैं। जी हां, इस फिल्म में वह पगड़ी बांधे हुए नजर आएंगे। स्क्रिप्ट में आमिर खान को अपने रोल की जीवन यात्रा दिखानी थी। आमिर खान ने इस फिल्म की शूटिंग 100 अलग अलग जगहों पर करी, जिसके लिए उन्हें बार बार अलग अलग जगहों पर शूटिंग करनी पड़ती थी। आपको बता दें कि आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा में अपने रोल के लिए 20 किलो वजन कम किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।